आदाब नाजरीन, हिंद न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद मुजम्मिल अदनान। इस वक्त हम साउथ कोलकाता के मारूफ कांग्रेसी लीडर जनाब सैयद इम्तियाज़ अहमद अशरफी साहब के पास मौजूद हैं, जो समाजी, सियासी और फलाही कामों में हमेशा नुमाया रहते हैं, चाहे वो वाटर लॉगिंग का मसला हो या फिर चाहे वो लॉकडाउन का मसला हो। इम्तियाज़ साहब हमेशा आम लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। इम्तियाज़ अहमद साहब, आपने कांग्रेस कार्टून की हैसियत से यहाँ पर सरगर्म यानी एक्टिव, जबकि इस इलाके को फॉरवर्ड ब्लॉक का गढ़ माना जाता था, आप कांग्रेस का हिस्सा बने आखिर क्यों, वजह क्या? देखिए, ये सवाल, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गढ़ है ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि 70 के दशक से जब कोलकाता पोर्ट कभी कभी तीरथ कहलाया करता था, तो हमेशा अगर आप देखें तो बेशतर इलेक्शंस में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के एमएलए उस समय राम प्यारे राम हुआ करते थे और इलाके में वोटों के जरिए यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को हमेशा जीत दिलाया। इसलिए ये बोलना कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गढ़ हुआ करता था, मैं अपोजिशन या फिर पोजीशन के अख्तियार से फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पर एक बाया महाज शरीक पार्टी की हैसियत से उनका सीट हुआ करता था, लेकिन हमेशा से खिदिरपुर के इलाके में कांग्रेस एक पसंदीदा पार्टी की हैसियत से आवाम के बीच में रही। ये इलाका भी शहर के दीगर मुस्लिम इलाकों की तरह है, जहाँ जिंदगी जीने के लिए बेसिक नीड की कमी दिखाई देती है। खासकर वाटर लॉगिंग का मसला सबसे बड़ा भी देखा जाता है, जिसमें करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस ताल्लुक से आपने काफी मुहिम भी चलाई है, अब तक इसका क्या नतीजा निकल रहा है? देखिए, वाटर लॉगिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, वाटर लॉगिंग के खिलाफ लोगों ने, इलाकाई लोगों ने मुसलसल अपनी आवाज उठाई, न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि अवामी सतह पर भी इसके खिलाफ आवाजें उठी। और 2000 से तकरीबन 20 साल हो गए आवाजें बुलंद की जाती, लोग परेशान हैं, लोग 10 मिनट 15 मिनट की बारिश के बाद अपने घरों से नहीं निकल पाते, उनके घर तक पानी चला जाता है, रास्ता बदहाल होता है, नमाजी मस्जिद में नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, घर के लोग बाजार तक नहीं जा पाते, लोगों का काम काज बंद हो जाता है, तो इसके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं। मुसलसल सियासी तहरीकें भी होती हैं और ख़ासकर मैं बहैसियत कांग्रेस लीडर यहाँ पर मुसलसल वाटर लॉगिंग के खिलाफ एहतजाज करता रहा हूँ, लेकिन अब तक इन 20 सालों में आप ये देखें कि तृणमूल कांग्रेस 2000 में जब तृणमूल कांग्रेस की वोट आई तो उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पर ये मुद्दा हुआ करता था उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, और अब भी वो मुद्दा ही है, मैनिफेस्टो में ही उसका जिक्र होता है। यानी मुसलसल 20 साल से तृणमूल कांग्रेस की जो वोट आती रही है कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमेशा ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करना, वाटर लॉगिंग को खत्म करना एक मुद्दा रहा है, लेकिन जो ही इलेक्शन खत्म होता है उनके काउंसलर जब जीत कराते हैं तो उनके मेयर भी इस बात को भूल जाते हैं, एमआईसीज भी भूल जाते हैं, उनके बोरो के चेयरमैन भी भूल जाते हैं और खुद काउंसलर लापरवाही बरतती है। और एक बड़ा मुद्दा है आज लोग, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग तहरीक करते हैं, जो रास्ते पर उतर कर आते हैं और वाटर लॉगिंग के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करते हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है, उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ केसेस लॉन्च किए जाते हैं, FIR लॉन्च किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वाटर लॉगिंग के मुद्दे पर जब आवाज़ें उठती हैं तो उस समय जो पोजिशन पार्टी है, जो जिनके काउंसिलर हैं, जिनके MLA हैं, जिनके मेयर हैं, वो लगभग डेमोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म कर और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में मैं अभी उनसे अपील कर रहा हूँ और मुसलसल इसके खिलाफ तहरीकें हो रही हैं, लेकिन मेयर खुद ममता बनर्जी 77 नंबर वार्ड जहाँ पर वाटर लॉगिंग एक बड़ा मुद्दा है, वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स हो रहे हैं वाटर लॉगिंग की वजह से, लोग मर रहे हैं, लोग अपने घर से नहीं निकल पाते और
हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर इलाके में तहरीकें चल रही हैं। बावजूद उसके आज खुद ममता बनर्जी बहैसियत वजीर आला इस वार्ड 77 नंबर वार्ड जो भवानीपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और खुद वजीर आला इस वार्ड से वोट लेती है और बेशतर लोग उन्हें वोट देते हैं, वजीर आला बनाते हैं, लेकिन जीतने के बाद न ही वजीर आला, न ही मेयर बॉबी हकीम, न ही यहाँ के काउंसिलर, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग परेशान। आखिर क्या वजह है इसके बावजूद काउंसिलरों में वही दो पुराने चेहरे दिखाई देते हैं? देखिए, पुराने चेहरों का जहां तक बात है इसके मुतालिक, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि गुज़िश्ता 15 सालों से 2005 से लेकर 2020 तक का जो अरसा है, 2005, 2010, 2015 तीन इलेक्शंस में, और ये तीन इलेक्शंस में रिगिंग, वोट को कैप्चर करना, बूथ को कैप्चर करना, गुंडों का इस्तेमाल करना और जो वोटर्स हैं उनके वोट को ना देना, ये यहाँ पर फितरत हो गई है। और इलेक्शन के वक्त में अपने पैसे का इस्तेमाल कर इलेक्शन को बिजनेस बना लेना, सियासत को बिजनेस बनाना, तो यहाँ पर जो काउंसिलर्स हैं वो सियासत को बिजनेस समझते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बाहुबली शक्ति है उसका इस्तेमाल कर यहाँ पर वोट को, इलेक्शन को जीतते हैं, रिगिंग करवाते हैं, बूथ को कैप्चर करवाते हैं, और मुसलसल यही मामला चलता है। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल बदला हुआ है, अवाम इनसे बदजर हो चुकी है, अब इनका ये रवैया इंशाअल्लाह रहमान आने वाले इलेक्शन में काम नहीं करने वाला, क्योंकि 20 साल लोग इनसे परेशान, 15 सालों से इनसे परेशान हैं, इनकी कारकर्दगी जो है बिल्कुल शून्य के बराबर है, और इस बार इनकी हार लगभग तय है, लोग परेशान हैं। यहाँ का वार्ड 78 जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला वार्ड, होने के बावजूद उसे शेड्यूल कास्ट कर दिया है, आखिर क्यों? बहसीयत कांग्रेस लीडर, आपने इसके खिलाफ क्या किरदार किया? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सीट महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास या फिर जनरल या जनरल महिला, इन सब का जो मामला है ये डिपेंड करता है लोकल बॉडी पर, यानी मेयर पर, और उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर, जो म्यूनिसिपल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और ये दोनों मिनिस्ट्री, म्यूनिसिपल अफेयर्स मिनिस्ट्री और कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, और खुद इस इलाके के बहैसियत MLA और नंबर दो के मंत्री बॉबी हकीम, अपने सियासी एतबार से उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि पोर्ट इलाके में, कोलकाता पोर्ट के इलाके में जितने वार्ड्स पड़ते हैं, वो 75 नंबर वार्ड हो, 76 हो, 78 हो, 79, 80, 133, 134, 135, तो उन्होंने अपने सियासी फला के लिए, सियासी फायदे के लिए इस वार्ड को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब करने का प्रपोजल इलेक्शन कमीशन को दिया, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन ने इस वार्ड को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के इसमें रखा है। इसके लिए हम लोग, चूंकि यहाँ पर लॉकडाउन का मामला चल रहा है, COVID-19 पैंडेमिक है, कोर्ट बेशतर दिन बंद रहे, जैसे ही कोर्ट का मामला शुरू होगा हम लोगों ने फैसला किया कि इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी पेश करेंगे, और जहाँ पर कमोबेश 70% माइनॉरिटीज़ रहते हैं, 78 नंबर वार्ड में 70% माइनॉरिटीज़ हैं, और 30% वोट जो है नॉन माइनॉरिटीज़ के हैं, जिसमें महज मैं समझता हूँ कि 5% वोट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के होंगे, तो 5% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के वोट वाले इस वार्ड में आखिर गवर्नमेंट या कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या इलेक्शन कमीशन ने इस वार्ड को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब क्यों किया, ये बहस का मुद्दा है, और लोग इसके खिलाफ हैं, लोगों ने इसके खिलाफ बातें उठानी शुरू कर दी हैं, और तृणमूल कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये सियासी फंदा है, लोग इसको समझ। तृणमूल हुकूमत के जमाने में अब तक आपने इस इलाके में क्या क्या तरक्की? देखिए, बाया महाज के जमाने में हमेशा कांग्रेस ने आंदोलन किया, और मुकामी लोगों के जो परेशानियां थी उन परेशानियों को दूर करने के लिए हमने एहतजाज किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, जलसा जलूस किया, लेकिन तृणमूल के आने के बाद
मामला ज्यों का त्यों है, बल्कि हमने देखा कि 77 नंबर वार्ड और 78 नंबर वार्ड और पीछे के तरफ गया है। हमने यहाँ पर वाटर सप्लाई की बेहतरी के लिए आवाज़ें बुलंद की थी, हमने ड्रेनेज सिस्टम के लिए आवाज़ उठाया था, हमने लाइटिंग के लिए आवाज़ उठाया था, हमने रैशनिंग के लिए आवाज़ उठाया था, हमने दीगर और भी जो चीज़ें हैं जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मुहैया किया जाता है, ख़ास करके यहाँ पर जो कंजर्वेंसी सिस्टम है उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ें बुलंद की थी। लेकिन अफसोस की बात है कि तृणमूल की काउंसिलर आज 77 और 78 नंबर वार्ड में है और दोनों ही वार्ड आज जूझ रहे, परेशान है वार्ड, वार्ड के लोग परेशान हैं। आज गली में, नुक्कड़ पर, सड़कों पर एक ही आवाज़ है कि 5 साल पहले हमने वोट देकर गलती की थी। आज न पीने का पानी है, न लाइटिंग सिस्टम है, न ही ड्रेनेज सिस्टम सही हुआ, वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, हेल्थ सिस्टम यहाँ बदहाल है, लोग परेशान हैं यहाँ। लेकिन लोगों ने अहद कर लिया है कि वाटर लॉगिंग को जड़ से उखाड़कर फेंकना है और कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में मुकामी लोगों के साथ है। हमारी तहरीक आने वाले दिनों में इससे और तेज होगी, तब तक तेज रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक वाटर लॉगिंग को हम जड़ से उखाड़कर नहीं फेंक देते। 77 नंबर वार्ड में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आप लोग किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे और अगर आप लोगों की पार्टी की जीत होती है तो आवाम के लिए क्या करेंगे? देखिए, 77 नंबर वार्ड में मुद्दों की भरमार है, क्योंकि अगर सबसे पहले सिविक्स एमिनिटीज की बात करें जिसकी जिम्मेदारी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है, उस एतबार से पिछले 15 सालों में 77 नंबर वार्ड को जो सिविक्स एमिनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए थी, यहाँ के मुकामी लोगों को कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जानिब से जो फैसिलिटीज़ मुहैया होनी चाहिए थी, इन तमाम चीज़ों में तृणमूल कांग्रेस या फिर उसके पहले जो काउंसिलर थी फेल हैं। और ख़ास करके ये 5 साल दोनों ही काउंसिलरों का ताल्लुक तृणमूल कांग्रेस से है, तो मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वजीर आला ममता बनर्जी और इस गवर्नमेंट के 2 नंबर के मंत्री यानी ममता बनर्जी के बाद अगर किसी का मुकाम इस मंत्रालय में आता है तो उसका नाम बॉबी हकीम है। तो इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि 77 और 78 नंबर वार्ड की तरक्की के लिए कदम उठाते, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी ऐसा काम नज़र नहीं आता इन 2 वार्डों में जिससे मुकामी लोग ये समझें कि यहाँ पर तरक्की के लिए कोई भी काम किया गया है।